नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपके फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य, यानी कि कौन सा राज्य किस फल में सबसे ज्यादा अधिक शीर्ष पे है ना, पहले स्थान पे, तो वो देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को स्टार्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में आपका सेब सबसे ज्यादा होता है ना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है लगभग लगभग, पर आपको याद रखना है सेब सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होते हैं दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में होते हैं, ठीक है। अगली बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में होता है नाशपाती दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, नाशपाती, ठीक है। फिर आता है अपना मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में है अमरूद सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में किस लिए अव्वल है, तो ये अमरूद के लिए अव्वल है। फिर आता है बिहार, बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में आपका आ जाएगा लीची, तो बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, लीची के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये नक्शा है आपका भारत का, और इसमें जिस तरह से आपको दर्शाया गया दोस्तों, तो इसका कृपया ध्यान रखिए, और आप नक्शा साथ में रख के आप इस वीडियो को देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भारत के नक्शे में आपको राज्य भी याद हो जाएंगे और राज्यों की राजधानी भी वहां पे देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश है आम, सबसे ज्यादा आम कहाँ होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। और आंवला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आंवला भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो देखिए वापस देखते हैं, जम्मू कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश नाशपाती, उत्तर प्रदेश में दो है आपके फल, एक आम है दूसरा आंवला है, बिहार में लीची प्रसिद्ध है, ठीक है, और एमपी में अमरूद, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा आपको, महाराष्ट्र भी इसमें नजर आ रहा है, तो महाराष्ट्र में चार फसलें हैं और ये खट्टी फसलें हैं दोस्तों, ठीक है। खट्टी मतलब फसलें क्या, फल हैं आपके, तो संतरा आप देखिए आप दोस्तों, ठीक है, संतरा सबसे ज्यादा होता है मध्य महाराष्ट्र में, ठीक है। केले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं महाराष्ट्र में, और अंगूर कहाँ होते हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में, और अनार भी कहाँ होते हैं आपके, महाराष्ट्र में। जरा एक बार देखते हैं इसको वापस से, तो महाराष्ट्र में दो चीजें हैं, एक है आपका अंगूर और अनार, अंगूर अनार एक जगह हो गया, केला और संतरे भी कहाँ हो गए आपके, महाराष्ट्र राज्य में। तो ये चार फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। एक लीची का भी आपको आता है, और आम कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में होता है। अब आगे की बात करेंगे दोस्तों, आगे आता है अपना आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश में है पपीता सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं। फिर आता है आपका केरल राज्य, तो केरल राज्य के लिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं दोस्तों, दोस्तों ये एक राज्य और बच गया था अपना, जो केरल राज्य है, तो केरल राज्य की बात करें दोस्तों, तो केरल में है इंपॉर्टेंट आपके लिए काजू, तो काजू सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, केरल में होते हैं। और दूसरा है आपका नारियल, तो नारियल के पत्ते भी रहते हैं और नारियल के अपन खाते भी हैं, तो नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केरल में। तो दो फल है आपको याद रखना है, काजू और नारियल, ठीक है। तो एक बार वो देख लेते हैं दोस्तों कि सेब सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, नाशपाती हिमाचल प्रदेश में, आम आंवला उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में आपका लीची है, और अमरूद मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पपीता है, और महाराष्ट्र में संतरा है, केला अंगूर और अनार, केरल है आपका काजू और नारियल के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज शेयर तो बनता है दोस्तों, एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद साथियों।